हेलो फ्रेंड्स, इट इज कैड एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम इजाज़ अहमद है और मैं यहाँ पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन आप लोगों के लिए डेली लाते रहता हूँ। तो आज भी इस वीडियो में आपको 26x40 का प्लान लाया हूँ, जिसमें मैंने 2 BHK सेट किया है एज़ पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये साउथ फेसिंग प्लान है और इस प्लॉट को दो तरफ रोड है, एक फ्रंट साइड में रोड है और यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में रोड है। साइड बैक की अगर बात की जाए तो टोटली ये जगह यूज़ है, सिर्फ बैक साइड से 1.5 फीट साइड बैक छोड़ दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी बैक साइड 2 रूम जो है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो गया है ऑन साइड पे। तो ये लोड बेयरिंग उनका घर का कंस्ट्रक्शन 2 रूम हो गया है बैक साइड, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए फ्रंट साइड में हॉल किचन वगैरह मुझे सेट करना था, तो उस हिसाब से मैंने सेट किया है जो आपको मैं शो करने वाला हूँ। तो प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपका कोई पर्सनल प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता दे तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको प्लान बना के ज़रूर शो करूँगा। और अगर आप कोई प्लान वगैरह यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके ज़रूर सर्च करें, मैंने काफ़ी सारे प्लान बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड किया है, तो एक बार जाकर आप ज़रूर देखिए। मैंने काफ़ी सारे कैटेगरीज में भी उसमें प्लान बनाया है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, अपार्टमेंट टाइप के काफ़ी सारे प्लान्स हैं, आप एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको प्लान शो करता हूँ। यहाँ पे देखिए, बेसमेंट के मैंने कुछ 2-3 स्टेप्स प्रोवाइड किया है, आप अपने बेसमेंट के हाइट के हिसाब से स्टेप्स वगैरह ऑन साइड पर ले लीजिए। और यहीं पर एक छोटा सा आपको एक पार्किंग मिलेगा जो इमरजेंसी के लिए आप एक आध बाइक ईजिली पार्क कर सकते हो। और यहीं पे मैंने स्टेयर्स प्रोवाइड किया है फ्रंट साइड जो डायरेक्टली कंटिन्यूसली फ्लोर टू फ्लोर कंटिन्यू होंगे। तो मैंने इसको 11 इंच का ट्रेड लिया है और राइजर आप अपने स्लैब की हाइट के हिसाब से इसको डिवाइड कर लें। तो ये 20 स्टेप मैंने इसको कवर किया है स्लैब के लिए, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चाहे तो ले सकते हो। तो मैं पहले बैक साइड आपको कुछ शो करता हूँ, जो रूम 2 रूम ऑन साइड पे कंस्ट्रक्शन हो गया है। जैसे कि ये 2 रूम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो गया ऑन साइड पे, तो इसी को मैच करते हुए मुझे ये फ्रंट साइड हॉल किचन वगैरह सेट करना था, जो मैंने कर दिया है। तो देखिए, बैक साइड यहाँ पे 1.5 फीट साइड बैक भी है इस तरफ, जो यहाँ पर विंडो वगैरह भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन भी शो किया है, जो 1.5 फीट का वो साइड बैक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका मेन एंट्रेंस लिया है जो मैंने 3.5 फीट का लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चाहे तो ले सकते हो। डायरेक्टली इनसाइड आने के बाद में आपको 14.5 फीट बाय 14.5 फीट का आपको हॉल लगेगा जो स्क्वायर है। और इस हॉल में मैंने फ्रंट साइड विंडो लिया है जो मैंने 5 फीट का लिया है, क्योंकि ये जो राइट साइड है ये पूरी जगह टोटली यूज़ है, तो इस तरफ यहाँ पर विंडो वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हॉल को लग के मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर रूम दिया है जो 8 फीट बाय से मैंने 4 फीट का शो किया है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरफ प्रोवाइड किया है ताकि ये जो बेडरूम्स के डोर वगैरह हो वो हॉल के इनसाइड शो ना हो, वरना ये बेडरूम की प्राइवेसी चली जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे छोटा सा एक स्टोर रूम टाइप का एक्स्ट्रा में ले लिया है, वरना मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा हॉल ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर बेडरूम के डोर होने की वजह से इसमें मैंने इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टोर रूम एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। तो इस हॉल को लग के यहाँ पे मैंने इधर आर्च प्रोवाइड किया है जो डायरेक्टली आपको इनसाइड आने के लिए है, यहाँ पे किचन के लिए एक वे है। तो इनसाइड आने के बाद में आप चाहे तो इस तरफ हैंड वॉश वगैरह ले सकते हो इस कॉर्नर को। और इस तरफ यहाँ पर मैंने WC प्रोवाइड किया है जो 4 फिट 6 इंच, जैसे में 3 फिट 6 इंच का ये WC है, तो ये सेपरेट है सिंगल। और इस तरफ यहाँ पर इसका आउटसाइड मैंने यहाँ पर वेंटिलेटर भी ले लिया है। तो किचन के इनसाइड आने के बाद में आपको देखिए, यहाँ पे किचन आपको काफ़ी बढ़िया डायमेंशन मिल रहा है, 9 फीट 3 इंच, जैसे मैं 10 फीट 8 इंच का ही किचन है। और इस किचन को लग के मैंने यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म भी दिया है इस तरफ, जो 2 फीट का मैंने लिया है। इस तरफ यहाँ पे सिंक वगैरह भी इस तरफ कॉर्नर पर प्रोवाइड किया है। और इस किचन के प्लेटफॉर्म के फ्रंट साइड में मैंने यहाँ पर 5 फीट का विंडो लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ 20 फीट की रोड है। और किचन को लग के यहाँ पे और एक मैंने डोर प्रोवाइड किया है जो डायरेक्टली आपको स्टेयरकेस के नीचे आएगा। स्टेयरकेस के नीचे आप चाहे तो इसको यूटिलिटी के टाइप में इसको यूज़ कर सकते हो, कुछ भी वॉश वगैरह करना हो तो इस तरफ आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। और लैंडिंग के नीचे आप एक्स्ट्रा बाथरूम भी बनाना चाहे तो इस तरफ ले सकते हो, क्योंकि लैंडिंग 3x6 की क्लियर है। और यहाँ पर देखिए, जो एक्स्ट्रा मैंने कॉमन
डब्ल्यू सी बात प्रोवाइड किया है जो 8 फीट बाय 3 फीट 9 इंच का ये एक्स्ट्रा डब्ल्यू सी बात मैंने अटैच किया है। आप चाहे तो उसको सिर्फ बात भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे डब्ल्यू सी सेपरेट भी किया है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप अपने हिसाब से ले लें। और इस तरफ मैंने यहाँ पर इसका वेंटिलेटर भी प्रोवाइड किया है। अगर बेडरूम की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने इसके डोर्स वगैरह भी ऑलरेडी ऑन साइड पे कंस्ट्रक्शन हो गए, तो यहीं पे इसके डोर्स वगैरह है, जिसका डायमेंशन भी आप देख रहे होंगे 11 फीट 10 इंच, जैसे में 10 फीट 6 इंच के ये दोनों एज इट इज़ सेम डायमेंशन के दोनों बेडरूम हैं। और इस बेडरूम में बैक साइड विंडो है, और इस बेडरूम में दो साइड विंडो है, एक बैक साइड एक लेफ्ट साइड। तो ये आउटर शोल्डर आपको क्लियरली दिख रहा होगा 26 फीट। तो ये जो दो रूम हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। तो ये लोड बेयरिंग का प्लान है, क्योंकि ऑलरेडी ये दो लोड बेयरिंग के हिसाब से बनाया गया है, कॉलम वगैरह नहीं लिया गया है, उसी को एक्सटेंड करके यहाँ भी फ्रंट साइड भी वो लोड बेयरिंग ही बनाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मैंने बनाया है, तो थोड़ा सा आपको लाइन लेवल थोड़ा आउट दिखेगा, क्योंकि ये कॉलम के हिसाब से नहीं है जो लाइन लेवल मैं देखूँ। तो क्लाइंट इसी हिसाब से बनाना चाह रहे थे, तो मैंने जो बना के दिया है, बस आपको इस वीडियो के ज़रिए शो करने वाला था कि अगर ऐसा आपका बैक साइड कुछ एक आध रूम बन भी है, तो उसको भी आप चाहे तो एक्सटेंड करके प्लान वगैरह बना सकते हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हो। ये साउथ फेसिंग प्लान है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, जिसका नाम है डिजर्ट कैड एंड कंस्ट्रक्शन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल्स के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो चलिए खुदा हाफिज़।